सभी लोगों ने आके माननीय सुरेंद्र सिंह जी को उनके 61वें जन्मदिन पर बधाई दिया, तो मेरी भी इच्छा होगी आज मैं उनको शुभकामना दूँ, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जीवन के हर भाग में राजनीति है, जिस भी क्षेत्र में हम जाएंगे राजनीति सब जगह है। ज़्यादातर मोदी साहब पे विश्वास करवा रुकी प्रजा, क्योंकि वो मुसीबत आई तो बढ़िया होनी, सुरेंद्र सिंह जी ज़्यादा होनी, हर गरीब की बात होनी। दिया कुमारी आई है, बढ़िया हो बातों की है, पानी सुविधा कर रहा, सब कर रहा, यूँ कर रहा, यूँ कर रहा। दावेदार दाल नरही है, तो वो नरही वो पर टिकट फाइनल है बीजेपी सुरेंद्र सिंह जी रो। सरकार युद्ध तो हाल तक कहीं वहाँ हवा नहीं चल रही, तो ही कोई लड़ाई रहा है, बीजेपी वाला ही लड़ाई रहा, कांग्रेस वाला ही लड़ाई रहा, जटी एकता वही जटी जीत है। कि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत खुशी की बात है कि अब भी इतने सालों बाद भी जनता का इतना स्नेह उनके प्रति है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। अभी हम खड़े हैं बीकावास में, यहां पर कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन है और उसको लेकर एक बीकावास माताजी मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया है और सभा में जो लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आमेट के बीकावास गांव में स्थित बीकावास माता मंदिर परिसर में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर हनुमान चालीसा का पाठ हवन अनुष्ठान के साथ ही जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वेरोका मठ के महंत रविंद्रपुरी महाराज, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, देवगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष शोभालाल रेगर सहित कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही राजसमंद नाथद्वारा व भीम क्षेत्र से भी कई भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस समर्थित नेता व कार्यकर्ता भी विधायक राठौड़ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहां पहुंचे। इस जनसभा के माध्यम से विधायक राठौड़ ने एक तरह से बीकावास माता के दरबार से विधानसभा चुनाव 2023 के मैदान में उतरने का शंखनाद कर दिया। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाखम बांध से राजसमंद जिले व कुंभलगढ़ क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का जो ऐलान किया था, जो घोषणा की थी, उसे धरातल पर उतारने का वादा विधायक राठौड़ और सांसद दिया कुमारी द्वारा किया जा रहा है। विधायक राठौड़ के साथ ही सांसद दिया कुमारी ने भी इस जाखम बांध का पानी राजसमंद जिले में लाने की बात दोहराई और बार बार राजसमंद जिले की प्यास जाखम बांध से बुझाने की बात दोहराई गई। कुछ कार्यकर्ता बोले कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बीकावास गांव में पहुंचना ही सुरेंद्र सिंह राठौड़ के जीतने का ट्रेलर है। आगे लग रहा है, उसके सामने हमारे सांसद महोदय द्वारा महिलाओं का सम्मान होगा 9 साल पहले विशाल का, उसके बाद स्वागत ध्वजन होगा मंच के माध्यम से। अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी हैं और संत जन भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज सुरेंद्र सिंह जी का राठौड़ आज जन्मदिन था क्या? ये एक शुद्ध पारिवारिक प्रोग्राम है और जन्मदिन एक ऐसी खुशी का अवसर है जिसमें सभी लोगों ने आके माननीय सुरेंद्र सिंह जी को उनके 61वें जन्मदिन पर बधाई दिया और हमारा भी उनसे लगभग 30 वर्ष से पुराना संबंध है। मुझे जैसे ज्ञात हुआ तो मेरी भी इच्छा हुई कि आज मैं उनको शुभकामना दूँ, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और आपके इस चैनल के माध्यम से मेवाड़ की इस महान जनता को, कुंभलगढ़ के क्षेत्र के सब लोगों ने आगे सुरेंद्र सिंह जी को बधाई दी है, सारी जनता के लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई। कार्यक्रम तो व्यक्तिगत था लेकिन राजनेता है तो सार्वजनिक कार्यक्रम हो जाता है और उसमें जीवन के हर भाग में राजनीति है, जिस भी क्षेत्र में हम जाएंगे राजनीति सब जगह है। तो सांसद महोदय भी आए और पूरा पार्टी का जो एक तरह से इनके बीजेपी के विधायक है इसलिए बीजेपी के सारे लोग आएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी आए हैं शुभकामना देने के लिए। शादी है, जन्मदिन है, व्यक्तिगत प्रोग्राम, इसमें कोई राजनीति का कोई विषय नहीं है। कई नाम है आप कटरी हवा चल रही है बहुत से लोग मेवाड़ के। अबे हवा तो आप ही देख लो, मकई के हवा तो जनता बता है, कटरी हवा चाल। हाँ पेटी में बताओ, जनता तो हवा अब तो आप देखो आप आया जो किस तरह आज
मैं आया देख ही रहा, पब्लिक है, सब आई है, आप ही लेन साली रहो। मैं यूज टटोलवान आया, मैं भाषा बेटर लगा तो कही मोदी आवा तो हमेशा ज्यादा तो मोदी साहब रहे, आप जनता पार्टी नहीं सर। अपनों तो प्रदेश में गेलो साहब भी खूब काम कराया हो, काम तो आप अपनी सीट पे रहे सब करे ही, जैसा आप अपना जोर सब करे, जोर तो कर वही करी वही लास्ट बोलो। ज्यादातर मोदी साहब पे विश्वास करवा डूगी प्रजा, क्योंकि हो मुसीबत आई तो बढ़िया होनी। आपने आपने लोकल आपने कुंभलगढ़ विधानसभा में वो लोकल विधानसभा में सुरेंद्र सिंह जी ज्यादा होने, हर गरीब की बात होनी, पीछे भी छोटो मोटो साइन उभो पर रियो तो वन्य शंकरो समाधान की दो किसी दिन बना नशास ना कर घरे नहीं जावा दी दो, क्यों थारी शंका ने पूरी कर और कन्ने हाथे लावारी जरूरत को नहीं, एकलो ही जोतो ही बननी बात नहीं होनी। बागटो आया आप मु गली दे मायो साहब ऐ लागी रो गटरी आवाज आ रही ए वेरा ने जन्म दिवस विकवाज माता मनाया है नव राजनीति तो चुनाव रे चक्कर में तो नहीं है, चुनाव चक्कर में बात वेरी है भाई, वोट दी जो नहीं कर जो देश में तो कई है चले तो कई आनी फर्क पड़ी जो चुनाव में। हां पड़ी फर्क तो पड़ी जो पब्लिक बेली भी है नहीं की नहीं तो आने राठौर साहब भाई तो मिल यानी प्रोग्राम रो फर्क भाई तो दे जा पब्लिक रो तो जी बात है सेवा करी हर कोई ऊपर है दिया कुमारी आई है बढ़िया हो बातों की है बढ़िया की नहीं गई तो आप गांव रही है विकास रही की बात की देखने की थी पानी सुविधा कर रहा सब कर रहा यूं कर रहा यूं कर रहा। हाँ तो अब क्या कही है बाजो कही बदलाव चाहिए रहा है जो पब्लिक ही चाहिए रही है यूज रहना चाहे बीजेपी रो शासन चाहे कांग्रेस रो चाहे अबे पब्लिक है देखो जो चाहे जो को कर सके पब्लिक रहते हैं देखो वही जने तो पब्लिक नहीं जानवर वादरे आप बड़े आयो। हाँ ये पब्लिक आया तो वो मतलब वैसे के पलटो खाए जनता पार्टी ऐसे के पलटो खाई सके जी मैं ओम के साथ कटे बटे ऊपर है कि नीचे कटे पलटो कटे खाई अरे बोले ना जी लेर वे तो जनता है वो नहीं गए वटे तो माता जी रो मंदिर है माता जी रो आशीर्वाद कटने आशीर्वाद हाउस है बोले ना जी ये भाई जनता पार्टी लाओ नहीं गए जनता पार्टी नहीं चाहिए हाँ लाओ हाउ है मनाओ राम राज है जन्मदिन भी मनावाया बीजेपी ने वोट देवा भी आया दो काम करवाया वोट तो हाल घटे टाइम पण वो पहला ठा पड़ो वायरो मकी वावे जरे पहला खेत ने आके तैयार करनो पड़े आनी बात है ये आकाई वेरी हाल तो वायरारी हाल अता पता कटे हाल कने दावेदार भी नरे पतो पड़ी गयो 30,000 पब्लिक है और एक आदमी कोड़े तीन वोट है तो 90,000 हो गया जीत गयो सुरेंद्र सिंह दावेदार दाल नरे ही है तो वो नरे वो पण टिकट फाइनल है बीजेपी सुरेंद्र सिंह जी रो सात आठ जना दावेदार खड़ा वीरा है बीजेपी सुरेंद्र सिंह जी ने मान ली। अच्छा और बाकी ऊपर खुली हवा घटना चल रही है पूरी सरकारी सरकारी तो वो देखियो समय हाल तक कहीं वहाँ हवा नहीं चल रही तो ही कोरा लड़ाई रहा है बीजेपी वाला ही लड़ रहा है कांग्रेस वाला ही लड़ रहा है जटी एकता भी जटी जीत। अच्छा आप रखे लागे वो कांग्रेस रो शासन ठीक है बीजेपी रो ठीक है शासन तो बीजेपी रो ठीक है केंद्र वालों को राज्य वालों बटे केंद्र सर मोदी जी की रहा मोदी भी है और राज्य भी है दो ही भाई सही थी एक घर में एक मियान में दो तरवार गाला तो बताए एक निकले कोई नहीं एक ही दो ही एक ही गाला तो बराबर निकले क्यों गेलो साहब तो काम तो खूब कराया है मनो कहीं गेलो साहब पाना बाजी है कि लाख 10 दिन में 2 लाख रुपया तो माफ भी ये 2 रुपये नहीं भी हाल लगनी 10 दिन रो वादों की दो जीतिया दिन टाइम क्यों 2 लाख रुपया माफ कर दे वहाँ कांग्रेस वाला तो मोदी जी क्यों 15 लाख रुपया खाता में आए जो अभी तक नहीं आया क्यों भ्रष्टाचार रो वो खर्चो कर रहा 15 लाख मोदी जी यू नहीं क्यों ना कि दे वहाँ हर आदमी ने 15 लाख रो फायदो भाई यह बात की मोदी जी दीदी प्रधानमंत्री बने अवधि हूँ क्यों जो कांग्रेस वाला कह रहा है कि मोदी जी क्यों 15-15 लाख रुपए हर एक खाता में 15 लाख रो फायदो भी तो फायदो भी हो पैसा आया नोटबंदी आया भ्रष्टाचार आया कणियों आया लेकिन फायदो भी हो लोगों का
भ्रष्टाचार पब्लिक के पास कटे आईरा भ्रष्टाचार यदि खर्चो वेरो कडू आईरा कड़े कैसा खर्चो तो ये जनता रा पिया थोड़ी ये तो नेता रा पिया रोड बनाईरा ये कर रहा ये पैसा आईरा कडू आईरा पैसा आप कह रहे हो भ्रष्टाचार पैसा आई रहा तो सरकार कोड़ी से आएगी जो पैसा आए जो नोटबंदी जैसे कोई पैसा आया रिफंड भी हो तो वो कहीं कोड़े क्यों सरकार कोड़े क्यों और सरकार कोड़े क्यों तो सरकार उन्हों काम कर रही नहीं तो काम कर ही करूँ अलग अलग लोगों के अलग अलग जिज्ञासाएं अलग अलग बातें इसमें आ रही है कोई कह रहा है कि इसमें सत्ता बीजेपी की होगी तो कोई कह रहे हैं जैसे आने वाले समय में एक क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह राठौड़ को ही टिकट मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि टिकट सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मिलता है या और किसी प्रत्याशी को लेकिन फिलहाल जो क्षेत्र के लोग हैं क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में दिख रहे हैं। अभी हमारे साथ में सांसद दिया कुमारी जी हैं और वो यहाँ कुंभलगढ़ के विधानसभा में बीकावास में आए हैं या स्वयं ये सुरेंद्र सिंह जी का आज बर्थडे था और इसको लेकर ये कार्यक्रम क्या ये शक्ति प्रदर्शन ऐसा है कि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना शक्ति प्रदर्शन क्यों होता है भाई? अगर आज सारे कार्यकर्ता और उनके पूरे क्षेत्र के वासी उनको आशीर्वाद देने आना चाहते हैं बधाई देना आना चाहते हैं तो उसका मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं ये खुद अच्छा आयोजन है बड़ा आयोजन है और अच्छा है सबसे मिलना जुलना हो जाता है और बहुत खुशी की बात है कि अब भी इतने सालों बाद भी जनता का इतना स्नेह उनके प्रति है और जनता इतना उनको मन से चाहती है तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए खुशी की बात। मोदी जी का ये दूसरा टूर रहा राजस्थान में और इसके बाद क्या स्थिति लग रही है? स्थिति बहुत अच्छी है पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी इतने बड़ी योजना का की सैंक्शन आई है जाखम बांध से जो पानी पूरे राजसमंद क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र को मिलना है उसकी सैंक्शन आज निकली है। वो जो योजना है लगभग 3,700 करोड़ की योजना है जिसकी सैंक्शन आई है जिसमें राजसमंद जिले को बहुत जाखम बांध से पानी मिलेगा JJM के माध्यम से ये पानी हर घर पे साफ सुथरा पानी आएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए रेलवे का और जो फोर लेन का जो काम हुआ ये किस तरह से क्षेत्र की दोनों बहुत बड़ी मांगे थी और दोनों मैं जब यहाँ से मुझे टिकट मिली और चुनाव के दौरान ये सबसे दो महत्वपूर्ण मांगे थी और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की कि उन्होंने बहुत जल्दी ही दोनों ही कामों को सैंक्शन किया और अब वो दोनों काम एक तो बहुत तेज गति से उसका काम खत्म होने वाला है इनॉग्रेशन हो जाएगा गोमती ब्यावर का बहुत जल्दी और मावली मारवाड़ का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री जी नाथद्वारा में करके गए हैं बहुत बड़े काम हुए और आज पानी की जो बहुत भयंकर समस्या है विशेषकर आमेठ में कुंभलगढ़ में राजसमंद में रेल मगरा में उससे भी लोगों को अब राहत मिलेगी। एक आने वाले विधानसभा चुनाव के क्या रिजल्ट को लेकर आशा रखते हैं? रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे ऐतिहासिक जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थे सांसद दिया कुमारी जी और इनका ये दावा है कि उनके क्षेत्र में उनके रहते हुए और बीजेपी के कार्यकाल में बेहतरीन काम हुए और आने वाले समय में और भी बेहतर काम होंगे और से समग्र विकास क्षेत्र का होगा। आप जुड़े हुए जयवर्धन न्यूज के साथ धन्यवाद।